मध्य प्रदेश के कटनी से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक 12 साल के बच्चे को शराब के साथ पेट्रोल पिला दिया गया। यह मामला स्लिमनाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पहरुआ का है, जहां शिवदयाल पटेल और उसके भाई बंधिया पटेल ने बच्चे को जबरदस्ती पेट्रोल पिला दिया। इसके बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चे अनुराग के पिता ने दोनों युवकों पर जातिवादी करने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले को लेकर कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने बताया कि उनके संज्ञान में मामला आया है और 12 साल के बच्चे को शराब में डीजल मिलाकर जबरन पिलाया गया है। मामले में बच्चे के परिजन से पूछताछ जारी है। घुमाने के बाद उसको दारू पिलाया गया, उसी में पेट्रोल डीजल मिला के पिला दिया गया। पन्नालाल के लड़के हैं, चीटा पटेल नाम है। और लोग थे जिन्होंने दारू में मिलाकर पेट्रोल पिलाया? दो लोग थे, भाई भाई। वो लोग कौन कौन है? शिवदयाल पटेल है और एक बंधिया पटेल है। कहाँ के रहने वाले हैं लोग और कब कहाँ पे पिलाए हैं? ये इनको रास्ते में पिलाए हैं, लहरी आए थे पेट्रोल लेने के लिए डीजल। उनकी गाड़ियाँ दो दो तीन तीन वो चलती हैं ट्रैक्टर, वही डीजल लेने आए थे और वही डीजल के साथ में बच्चे को पिलाए हैं, दारू भी पिलाए हैं उसी के साथ। हमको अभी 11 बजे मिला है बेहोशी की हालत में, जब हमको गांव के कुछ लोग सूचना दी, तब मैं डायरेक्ट में यहाँ अस्पताल लेके आया हूँ। मैं ग्राम पंचायत पहरुआ का हूँ। देखिए, इस विषय में अभी मीडिया के माध्यम से ही हमें जानकारी मिली है कि एक बच्चे को कुछ लोगों ने कुछ पेट्रोलियम पदार्थ जो है उनको जबरदस्ती पिलाया है और उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार भी हुए, और ऐसा ज्ञात हुआ है कि बच्चा अपने पिता के साथ अभी अस्पताल गया हुआ है। तो हमने संबंधित थाना प्रभारी को बता दिया है, अस्पताल चौकी को भी हमने सूचित कर दिया है। अभी जैसे ही हमारे थाना प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारी बच्चे के और बच्चे के पिता से संपर्क स्थापित करेंगे, फिर उनके द्वारा जो शिकायत की जाएगी उसकी हम लोग प्राथमिक छानबीन करते हुए उसमें विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।